नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू बजारे। चार राशियों की हम बात कर चुके हैं कि अमावस्या तिथि पर आपको क्या दान करना चाहिए और कैसे दान करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो, आपका कल्याण हो और आपके जीवन में खुशियाँ आए, शांति मिले ग्रहों को और पितृ दोष भी शांत हो जाए और ये आपका भी कल्याण करे और सामने वाले का भी सहयोग करे, कुछ ऐसा ही दान करना चाहिए। अब हम पिछली चार राशियों का बता चुके हैं, मेष, वृष, मिथुन एंड कर्क का बता चुके हैं। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की और बात करेंगे कन्या की, तुला की, वृश्चिक की। तो सिंह राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और खास करके ये दान जो है किस तरीके से किसे करना चाहिए। आप जो दान कर सकते हैं वो आप तांबे का दान कर सकते हैं, तांबे का पात्र, और तांबे के पात्र में गुड़ या फिर गेहूं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ भर करके आप उसका दान कर सकते हैं। आप तेल का दान भी कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान भी कर सकते हैं, और आप इनमें से जो तीनों में से कोई भी चीज़ का दान कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी है और ये दान आपने किसी भी ज़रूरतमंद पुरुष को ही देना है और ये उतनी मात्रा में दान दीजिएगा ताकि सामने वाला उसका सही यूटिलाइजेशन कर सके। इससे पितृ दोष भी शांत होते हैं, आपके जीवन में जो काम अटकते हैं, बार बार आपके काम रुकते हैं, आपको काम में भी ये सहयोग करता है ये दान, आपकी एनर्जीज भी अनुकूल करता है, मन भी शांत करता है, ग्रहों को भी शांत करता है और कर्म भी सुधारता है। और आपने ये दान किसी भी पुरुष को देना है जो ज़रूरतमंद पुरुष होते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि को अमावस्या तिथि पर क्या दान करना चाहिए। आपको खास करके कन्या राशि वालों को वस्त्र में अन्न, सात तरह का अन्न, चाहे थोड़ी थोड़ी मात्रा, एक एक 250-250 ग्राम वाला जैसे आप अन्न डाल सकते हैं, बाकी आपकी स्वेच्छा है कितना भी आप डाल सकते हैं, किसी वस्त्र के अंदर ही आप सात तरह के अनाज डाल करके ये दान करना चाहिए। और ये दान भी आप या तो महिला को भी दे सकते हैं या फिर किसी भी ज़रूरतमंद पुरुष को भी दे सकते हैं, लेकिन साथ के साथ इसमें कुछ मात्रा में इलायची, हरी इलायची ज़रूर डाल दें। ये एडिशन करना, सात तरह के अनाज प्लस कुछ हरी इलायची डाल देनी चाहिए और ये अमावस्या तिथि पर इस दान को कर देना चाहिए। हाँ, उतना दान ज़रूर कीजिएगा कि सामने वाले के काम आ सके, उसका सहयोग उनको प्राप्त हो सके और आपके कर्म सुधर सके और आपको भी एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मिल सके, क्योंकि दान की जो परिभाषा है वो कल्याण से है और कल्याण कब होता है, जब सामने वाले को आपका वो दिया हुआ दान पसंद आता है, यानी उसका सही यूटिलाइजेशन वो कर पाते हैं। तो आपको कन्या राशि वालों को इस तरीके से दान करना चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की। लिब्रा वालों को क्या दान करना चाहिए। अब देखिए, लिब्रा वालों के लिए खास करके एक चीज़ बताएं, एक तो आपने चावल और दूध का दान जो है वो किसी भी महिला को आप दे सकते हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्लस आपको पशु पक्षियों के लिए जल दान करना चाहिए, इस दिन ज़रूर करना चाहिए आपको। जल का दान जीवन दान माना जाता है और ख़ास करके बेजुबानों के लिए जब आप इस दान को करते हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है। तो आपको तुला राशि वालों को, लिब्रा वालों को जल का दान ज़रूर करना चाहिए, इससे आपके जीवन के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, मन शांत होता है, आपकी लग्जरीज हमेशा बनी रहती है और चंद्रमा का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव पॉजिटिव होता है आपके ऊपर। अगली राशि की बात करते हैं, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या चीज़ का दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को गेहूं का दान करना चाहिए और ख़ास करके किसी ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, फुटवेयर। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी चप्पल टूट गई होती है, बहुत पतली हो गई होती है, वो चलने में उनको दिक्कत आती है, ऐसे लोगों को ये दान देना चाहिए। और इस समय दिया हुआ ये दान
आपका भी कल्याण करता है, आपके उस रास्ते को आसान करता है जिस राह पर चल करके आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, आपकी वो रुकावटें दूर नहीं हो पाती हैं। तो आपको ये दान करना चाहिए। हाँ, अन्न का दान भी आप कर सकते हैं, इसके अलावा आप गेहूँ का दान भी कर सकते हैं, तो आप साथ के साथ फुटवेयर का दान ज़रूर कीजिएगा। तो चार राशियाँ और हो गई, यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क राशि पहली हम बता चुके हैं। आपने अगर ये वीडियो पहली वाली नहीं देखी है तो सब लोग प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा, और जो पहले वालों ने ये नहीं देखी है तो ये वीडियो देख ली। तो अगली राशियों चार होंगी जिनको भी बताएंगे हम कि अमावस्या तिथि पर आपको क्या दान करना चाहिए। तो अगली चार राशियाँ धनु, मकर, कुंभ एंड मीन, यानी सेजिटेरियस, आपको कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसियन, आप चार राशि वालों को किस तरीके का दान करना चाहिए ये अगली वीडियो में हम बताएंगे। इस वीडियो को भी आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अमावस्या तिथि पर क्या दान करना चाहिए बहुत ही उत्तम माना जाता है, जिससे आपका कल्याण, आपके घर के सभी सदस्यों का कल्याण होता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली वीडियो का करें इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।